नमस्कार, मैं हूं विश्वेश तिवारी और आप सभी देख रहे हैं ओनली न्यूज नेशन। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है कांग्रेस से जुड़ी हुई। जी हां, कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा से पहले ही कांग्रेस के साथ एक बड़ा कांड हो गया। गोवा में कांग्रेस खत्म हो गई है। जी हां, गोवा कांग्रेस मुक्त हो गया है। यह बड़ी खबर इस वक्त, बहुत बड़ी खबर है इस वक्त गोवा से। गोवा में कांग्रेस के 8 विधायकों ने गांधी परिवार की नींदें उड़ा कर रख दी है। आज हमारी इस खबर में हम आपको दिखाएंगे कि कैसे एक तरफ जहां राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा शुरू किए हुए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस तोड़ो का बीजेपी जोड़ो यात्रा ने कांग्रेस की हालत खराब करके रखती है। गोवा में कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो चुका है। जी हां, एकदम सही सुना आपने, गोवा में कांग्रेस पार्टी का पूरा सुपड़ा साफ हो चुका है। बीजेपी ने गोवा कांग्रेस में एक बड़ी सर्जिकल स्ट्राइक की है और कांग्रेस के 8 विधायकों को उससे तोड़ दिया है। चलिए खबर की तरफ बढ़ते हैं। गोवा कांग्रेस को बड़ा झटका देते हुए पार्टी के 8 विधायक भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम चुके हैं। पूर्व मुख्यमंत्री ने भी दामन थामा है। इस पूरे मामले में पूर्व मुख्यमंत्री भी शामिल है। सोचिए आप कि खुद किसी पार्टी के किसी जगह के पूर्व मुख्यमंत्री अगर पार्टी का साथ छोड़कर दूसरी दुश्मन पार्टी का दामन थाम रहे हैं, तो ये उस पार्टी के लिए कितना बड़ा झटका हो सकता है। आपको बता दें कि पूर्व सीएम दिगंबर कामत और चुनाव से एन पहले भारतीय जनता पार्टी छोड़कर कांग्रेस में आए माइकल लोबो ने भी पाला बदल लिया है। माइकल लोबो ने मीडिया से बातचीत में कहा कि हम प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत के हाथ मजबूत करने के लिए भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं। कांग्रेस छोड़ो, बीजेपी को जोड़ो। कांग्रेस को यह झटका ऐसे वक्त लगा है जब पूरे देश में भारत जोड़ो यात्रा निकाली जा रही है, जिसमें राहुल गांधी भी एक अहम हिस्सा है। तो चलिए आपको पूरा मामला दिखाते हैं, पूरा माजरा दिखाते हैं, आपको दिखाते हैं कैसे गोवा में कांग्रेस खत्म हो गई है और कांग्रेस की नींव हिल गई है बीजेपी के इस एक्शन से। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सभी से अनुरोध करते हैं कि खबर पसंद आए तो खबर पर लाइक शेयर तो करिएगा ही, कांग्रेस के इस पतन पर अपनी राय प्रतिक्रिया जरूर रखिएगा कि गोवा में कांग्रेस के इस हालत का जिम्मेदार कौन है। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने जो कुछ भी कहा उसने सोनिया गांधी की नींदें उड़ा के रख दी। उन्होंने कहा कि मैं 8 विधायकों को बीजेपी में शामिल होने के लिए स्वागत करता हूं। कांग्रेस ने भारत जोड़ो यात्रा शुरू की है, लेकिन मुझे लगता है कि गोवा में कांग्रेस छोड़ो यात्रा शुरू हो चुकी है। पूरे देश भर में लोग कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं। इस बाबत कांग्रेस के पास बचे सिर्फ 3 विधायक। जी हाँ, कांग्रेस के पास बचे हैं सिर्फ 3 विधायक। जी हाँ, 8 विधायकों ने मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत की मौजूदगी में भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की। भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने वाले विधायकों में माइकल लोबो और दिगंबर कामत के अलावा संकल्प ओमनोकर, रुडाल्फ फर्नांडिस, राजेश फलदेसाई, केदार नाइक, एलेक्जियो सिक्चोरा और डेलिया लोबो शामिल हैं। गोवा में अब कांग्रेस के आधे से कम विधायक बचे हैं। इसी साल फरवरी में हुए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के कुल 11 विधायकों ने जीत दर्ज की थी। 8 विधायकों के बीजेपी में जाने के बाद अब कांग्रेस के पास मात्र केवल 3 विधायक ही शेष बचे हैं। उधर गोवा में ऑपरेशन लोटस के खिलाफ कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी पर पलटवार किया है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश का ट्वीट आया है, चलिए आपको दिखाते हैं। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने ट्वीट करके कहा है कि भारत जोड़ो यात्रा का विजिबल सक्सेस के कारण गोवा में भारतीय जनता पार्टी ने ऑपरेशन कीचड़ तेजी से चलाया है। बीजेपी घिरा घबराई हुई है। यात्रा को कमजोर करने के लिए डायवर्जन और दुष्प्रचार का डेली डोज दिया जाता है। अमरीक हैं हम, बीजेपी के इन गंदी चालों से उभरेंगे। वहीं कांग्रेस प्रवक्ता पवन बलसन ने भी ट्वीट किया है। उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा है कि सुना है भारत जोड़ो यात्रा से बौखलाई बीजेपी ने गोवा में ऑपरेशन कीचड़ आयोजित किया है। सफर में धूप तो होगी, तो चल सके तो चलो। जो भारत जोड़ने के इस कठिन सफर में साथ नहीं दे पा रहे हैं, वो भारतीय जनता पार्टी की धमकियों से डरकर तोड़ने वालों के पास जाएं, तो यह भी समझ लें कि भारत देख रहा है। आखिर में ऐसे में इन 8 विधायकों की नाराजगी पार्टी से क्या थी, क्यों इन 8 विधायकों ने पार्टी को छोड़ा, वो भी ऐसे हालातों में, चलिए आपको दिखाते हैं। गोवा की 40 विधानसभा सीटों पर इसी साल फरवरी में चुनाव हुए थे। इसमें भारतीय जनता पार्टी गठबंधन के 25 विधायक जीते थे, जबकि कांग्रेस के 8 विधायक। गोवा कांग्रेस के ये विधायक काफी समय से पार्टी हाईकमान से नाराज चल रहे थे। बताया जा रहा है कि प्रदेश स्तर की राजनीति को लेकर वह राहुल गांधी से बातचीत के लिए समय चाहते थे, मगर राहुल गांधी के पास अपने
यात्रा के अलावा अपने पार्टियों के कार्यकर्ताओं और नेताओं के लिए, विधायकों के लिए समय ही नहीं है। दिगंबर कामत पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, वहीं माइकल लोबो चुनाव से पहले ही पत्नी समेत भारतीय जनता पार्टी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए थे। गोवा कांग्रेस में इस तरह की स्थिति जुलाई महीने में भी आई थी, हालांकि तब कांग्रेस ने सक्रियता दिखाते हुए विधायकों के दल बदल को रोक दिया था। तब पार्टी के गोवा प्रभारी दिनेश गुंडू राव ने आरोप लगाया था कि माइकल लोबो और दिगंबर कामत कांग्रेस के दूसरे विधायकों को पार्टी के खिलाफ एकजुट कर रहे हैं। दोनों के खिलाफ विधानसभा स्पीकर के समक्ष अयोग्यता का याचिका भी दाखिल हुआ था। इससे पहले 2019 में भी कांग्रेस को इस तरह का झटका लगा था, तब पार्टी के 10 विधायक भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए थे। इसके बाद 2 और विधायक भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए थे। गोवा विधानसभा चुनाव 2017 में कांग्रेस ने 17 सीटें जीती थी, लेकिन 13 सीटें होने के बावजूद बीजेपी गठबंधन की सरकार बनाने में सफल नहीं थी। तो आपने देखा कि गोवा में कांग्रेस का हाल क्या है, और उसके पहले कांग्रेस का हाल जम्मू कश्मीर में क्या रहा, यह आप सभी से छुपा नहीं है। कैसे आजाद ने कांग्रेस को बड़ा झटका देते हुए 145 विधायकों को कांग्रेस से दूर कर दिया था और घाटी की पूरी राजनीति बदल दी थी। अब कुछ ऐसा ही कांग्रेस के हाल गोवा में भी दिख रहा है। गोवा में भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस पार्टी पर एक बड़ी सर्जिकल स्ट्राइक करते हुए उसके 8 विधायकों को तोड़ दिया है। आपको बता दें कि 8 के 8 विधायकों ने गोवा में जीत दर्ज की थी पिछले चुनाव में। ऐसे में कांग्रेस से इनका जाना और भारतीय जनता पार्टी में इनका आना कांग्रेस के लिए एक बड़ी मुसीबत का कारण बन सकता है। कांग्रेस वैसे ही परेशानियों से घिरी हुई है, एक तरफ नेशनल हेराल्ड केस तो दूसरी तरफ लगातार उन्हीं के पार्टी के अंदर गहमागहमी की खबरें, उन्हीं के पार्टी के अंदर बगावत की खबरें अब उनके लिए एक बड़ी मुसीबत का कारण बन रही है। और इन इस्तीफों ने, इन जोड़ घटाव की स्थितियों ने सोनिया गांधी के साथ पूरे गांधी परिवार की नींदें उड़ा रखी हैं। अब देखना यह होगा कि भारत जोड़ो यात्रा करते हुए कांग्रेस कौन सा बड़ा तीर मारती है, क्योंकि कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा कुछ सफल होते नहीं दिख रही है। एक तरफ कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा पे कदम बढ़ा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ उसी के पार्टी के नेता उससे दूर होते जा रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस कैसे अपना नीम संभालेगी, ये देखना बहुत ही दिलचस्प होगा। इस पूरे खबर पर आप अपनी राय प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिएगा ताकि सच्चाई ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। ऐसे ही खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ ओनली न्यूज़ नेशन। धन्यवाद।